ओ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो तो आज रे क्लास रे हमें केमिस्ट्री के किटा सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करबा, जोटा कि आगो आस्थ आपनकर ओएसटीडी एग्जाम रो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्पफुल रहइबो। आगो आपन जदि हाई स्कूल टीचर एग्जाम पई मध्ये प्रिपरेशन करचोली, हाई स्कूल टीचर एग्जाम पई मध्ये हेल्पफुल रहइबो। तो वीडियो को आपन फर्स्ट टू लास्ट कंप्लीटली देखिबे, वीडियो को लाइक करे, संगन सहित वीडियो शेयर करबे, चैनल को जदि फर्स्ट टाइम पे विजिट करथिबे चैनल को सब्सक्राइब करनथिबे, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करबे। सो लेट अस स्टार्ट। नंबर वन देखो कौन दला, द ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इन इक्वल टू। सो देखो पचार ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, सिंपल आप पचार मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, सिंपल ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन मीन्स तर मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन पचार। सो बेंजीन आप कौन स्ट्रक्चर जदि आम देखा ये टाइप स्ट्रक्चर, जदि आम लिखा सिंपल फॉर्मूला C6H6। सो कार्बन छटा हाइड्रोजन छटा, सो आम जब मॉलिक्यूलर मास लिखा कमी, सो छटा आम अच्छी कार्बन, सो सिक्स लिखले आम जब देखा कार्बन, कार्बन आटोमिक मास के 12, तापर ये रहा आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अच्छी छटा, हाइड्रोजन आटोमिक मास हूँ के 1। सो बार छ गुणले के 1272 प्लस 6 × 1 = 6, सो 72 6 × 6 = 8 मैंने 78। सो राइट आंसर हो 78 ग्राम ऑफ C6H6। सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जावा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देला कौन, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ। सो अवोगाड्रोस लॉ अनुसार इट भितर को स्टेटमेंट आप करेक्ट। सो आम पढ़ी अवोगाड्रोस लॉ, जे अवोगाड्रोस लॉ कहला कौन ना, अवोगाड्रोस लॉ कहला V1/N1 इक्वल टू V2/N2। आप जानते फर्मुलाटा, सो कौन ना आट कन्स्टांट टेम्परेचर एंड प्रेसर इक्वाल नंबर अफ अल मलिकुल कंटेन्ट, इक्वाल नंबर अफ इक्वाल भल्यूम अफ अल गैस कंटेन्ट, इक्वाल नंबर अफ मलिकुल, इक्वाल भल्यूम अफ ऑल गैस कंटेंट, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल हमें जब मैथमेटिकल देखा, सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, क्वेश्चन नंबर थ्री कौन दला देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। सो कैल्शियम कार्बोनेट रो 50 ग्राम रे केते नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम प्रेजेंट अछंदी, सो अपन जान जंदी। सो इट देखंतु जदि आमे देखिबा फास्ट आमको ए टाइप रो क्वेश्चन आछु माने आमे फास्ट नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियो पड़िबो, नंबर ऑफ मोल फास्ट, तापर आपन रहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिया आपन आछुया दरकार। सो CaCO3 रो आमे फास्ट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिया, CO3 रो आमे जदि मॉलिक्यूलर मास कथा देखिबा, सो आपन रो कैल्शियम जो अछि कैल्शियम एटी गोटी अछि, कैल्शियम रो आपन रो 40, कार्बन गोटी अच्छी कार्बन आपर हूँ 12, तापर ये आपन ऑक्सीजन तीन टा अच्छे ऑक्सीजन हूँ 16। सो आप जी करेंगे 40 प्लस 12 प्लस 16 तीर 48, सो आपको जब आप प्लस करदे आप 100 ग्राम होते मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम। सो आम जानते, सो आम रही मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल अभी कैलकुलेट कर, नंबर ऑफ मोल कमी कैलकुलेट करा, जदि आमको देखिए गोटे मास गिवन अच्छी, सो आम कैलकुलेट कर फॉर्मूला है कौन, गिवन मास माय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास 100, गिवन मास 50, सो 50/100 कहते 1/2 आम कह 0.5 मोल। सो आम 0.5 हो गला नंबर ऑफ मोल, 0.5 मोल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सो आम एटू देखिले कौन जे वी सी दैट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट केते मोल ऑक्सीजन आटम रोज, माने गोटे मोल जदि आम देखा CaCO3 रे मात्र 3टा मोल रोचान, सो 1 मोल रे आपनर 3 मोल कौन रहा ऑक्सीजन रहा। सो आम कह 1 मोल रे 1 मोल ऑफ CaCO3 रहा 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सेमती आमको जदि 0.5 मोल आम जो पाइले 0.5 मोल रेते सिंपल आप 3 × 0.5 कर दिखाँ के 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, सो 1.5 मोल हो गले। सो तापर आम आम जानू 1 मोल मीनस कौन, 1 मोल मीनस हूँ 0.6 × 10³³ जोटा कि हूँ अवोगाड्रोस नंबर। सो आम जानले 1 मोल हूँ ये, सो आमको पचार 1.5 मोल मैंने ऑक्सीजन मैंने 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट केते मोल ऑक्सीजन बा केते नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रोजन, सिंपल आम कौन करवा, सो 50 ग्राम केते कंटेन करेंगे ना आम पाइले केते नंबर ऑफ मोल ना 1.5 नंबर ऑफ मोल, सो 1.5 × अवोगाड्रोस नंबर मैंने 1 मॉलिक्यूल रोचे ये, सो 1.5 मोल मॉलिक्यूल रही है कि ना 1.5 × 1 मोल, 1 मोल मीन 6.22 × 10³³, 6.022 × 10²³। सो सिंपल एट मल्टीप्लाई करदे आप 9.035 × 10²³ हो। सो राइट आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर आप बी 9.33 × 10²³ एटम, सो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट देला देखंतु द मास ऑफ 2.044 इन 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स इज गिवन बाय सो हम केमदि मा कैलकुलेट करिया मास ऑफ द मास ऑफ 2.044 इन 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम सो हम कोन फर्स्ट नंबर ऑफ हमहु जदि एतिक कार्बन एटम एतिक परिमाण दे दीजी सो हम कोन करिया फर्स्ट नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर देबा जदि हमहु गिवन केते एटम गिवन अछि सो हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट केमदि करिया ना नंबर ऑफ एटम बा जति के हम गिवन अछि डिवाइड कर देबा अवोगाड्रोस नंबर हमहु गिवन अछि केतिक एटम हमहु गिवन अछि 2.022 इन 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम गिवन अछि सो हम जति गिवन थिबो कार्बन एटम डिवाइड कर देबा हम अवोगाड्रोस नंबर हला एटा सो आकु जदि हम काटि दो छि एटा कटि गेला सो आदर एटा काटि देला एटा हिजो अपन केते ना एटा हिजो अपन 2 मोल सो राइट आंसर जदि हम देखिबा आर जदि नंबर ऑफ मोल हबो जको हमर केते हमर नंबर ऑफ मोल हबो 2 मोल सो हम नंबर ऑफ मोल पाई गेले सो हम के पचार छि मास ऑफ कार्बन एटम सो मास हम केमती कैलकुलेट करिबा सो हमर हे गेले नंबर ऑफ मोल केते 2 हे गेले सो हम जे देखिबा मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू मास हम केमती कैलकुलेट करू सो नंबर ऑफ मोल हम केमती कैलकुलेट करू जदि हम गिवन मास रहिला माने गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास सो हम सिंपली कार्बन पचार छि माने सो हम त मॉलिक्यूलर मास जा एटॉमिक मास संग कंसीडर कर लेबी किछ असुविधा नै सो मास केते हे जीवो सो हम जे देखिबा मोल पाउथले हमें गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास बाय एटॉमिक मास एटी गुजेतु कार्बन नाम कैलकुलेट करछे सो एटॉमिक मास खाली लेखंथु सो मोल सो हमर हे जीवो केते एटा हम गिवन मास सो हम मास टा पचार छि सो गिवन मास पर पचार छि सो एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई हे जीवो सो नंबर ऑफ मोल into atomic mass so number of mole am pagle 2 moles so atomic mass carbon no kete carbon ame janchu 12 so 12 into 2 kete 14 hejo 24 gram 12 into 2 24 gram so right answer hejo 24 gram option number c hejo correct answer type kon dala dekhantu how many ml of water must be added to 200 ml of 0.65 m mane molarity hcl to further dilute the solution to 0.20 एम माने मोलारिटी रो सॉल्यूशन को सो आपन कोन दैछि ना हाउ मेनी वाटर मस्ट बी एडेड केते वाटर ऐड करियो पड़िबो सो इनिशियली आपन कोन डाटा दैछि ना एतिकी वॉल्यूम दे दैछि फर्स्ट बी1 दे दैछि 200 ml दे दैछि तापर दैछि इनिशियल आपन को नंबर ऑफ मोल माने m1 दे दैछि केते ना 0.65 दे दीजिए 0.65 देन आपन को फर्दर डाइल्यूट दी सॉल्यूशन 2 माने m2 आपन को दे दीजिए 0.20 m दे दीजिए सो आपन को सिंपल पचार छि केते परिमाण आउ सेकंड वॉल्यूम दरकार सेकंड वॉल्यूम रो पाइला पर आपन केते वाटर ऐड करिवा हम फाइनल वॉल्यूम हम को इनिशियल वॉल्यूम v1 दीजिए तापर पचार छि हम को केते आउ वॉल्यूम दरकार तापर पचार छि हमर केते वाटर ऐड करियो पड़िबो सो हम v2 कैलकुलेट कर देबा सो हम जे तीनटा डाटा गिवन अछि सो हमें चतुर्थटा कैलकुलेट कर परिबा m1 v1 बाय m1 v1 इक्वल टू m2 v2 हमें जानछु फार्मूला m1 v1 इक्वल टू m2 v2 सो हम v2 पचार छि सो v2 केते हिजो v2 हमर हिजो m1 v1 बाय m2 जानी गले सो m1 केते m1 हला एटा 0.65 इनटू v1 केते 200 दे दीछि सो डिवाइड कर दो केते 0.20 सो आकु जदि हम काटि दो हमर हे जो केते ना टोटल हे जो 650 ml सो हमें फाइनल इनिशियल वॉल्यूम हमर थिला 200 v1 थिला 200 हमें फाइनल v2 पाइले 650 पाइ गेले सो हम पचार छि एबे केते सॉल्यूशन माने केते अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड करिवा सो अमाउंट ऑफ वाटर केते मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर ऐड हिजे सो अमाउंट ऑफ वाटर ऐड हिजे केते हम केमती कैलकुलेट करबा ना फाइनल वॉल्यूम हमर जते पाइले माइनस कर देबा इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर देबा इनिशियल वॉल्यूम सो फाइनल हम पाइले 650 माइनस कर देबा 200 650 से 200 गेला हमर केते हिजो ना 450 ml सो राइट आंसर देखंथु हिजो 450 ml ऑप्शन नंबर ए हिजो राइट आंसर 450 ml देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन ना हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर यदि n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 m इक्वल टू 0 सो m इक्वल टू 0 दे दीजिए अपन को n इक्वल टू 3 यदि दे छी सो अपन जान ले n 3 माने सो अपन रो फर्स्ट इनिशियल ऑर्बिटल ता अपन रो 3 रहबो तापर अपन l 1 हमें जान छु l वैल्यू को ऑर्बिटल 1 सो l तो वैल्यू अपन रो
एस ऑर्बिटल जो देखा एस ऑर्बिटल जीरो पी ऑर्बिटल हूँ वन सो ये आज जापरले मस्ट भी आपन थ्री पी ऑर्बिटल हम थ्री पी सो राइट आंसर जब देखा ये आज थ्री पी ऑर्बिटल को जीवन सो थ्री पी जब एम दे जीरो सो एम आप जीरो मीनस अंडर को आपड़ थ्री पी जेड सो राइट आंसर है देखा थ्री पी जेड ऑर्बिटल को जाऊँच सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल केते हो पार थ्री पी जेड सो आपड़ा पॉसिबल हो पार आदि एम जब आज जब आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबरटा जीरो हो सो पॉसिबल वैल्यू हो पार तार के वन सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल कैन बी सो गोटे सब सेल आप केते नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पारे के सो आम ऑलरेडी कवरेज करछू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल सो आम जब एल वैल्यू गिवन अच्छी एल वैल्यू आमको गिवन अच्छी एल हूँ आपड़ा कौन ना जीवर क्वांटम नंबर सो एल वैल्यू आम जब जाचे सो आम इजिली नंबर ऑफ ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सो जब आम देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर फॉर्मूला है टू होल इनटू टू एल प्लस वन टू होल इंटू ट्वेल्व प्लस वन को आम सिंप्लीफाई कर फोर एल प्लस टू सो आम जब देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर फॉर्मूला है फोर एल प्लस टू जब आम देखा नंबर ऑफ ऑर्बिटल सो ऑर्बिटल कैलकुलेट कर फॉर्मूला है टू एल प्लस वन सो टू एल प्लस वन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट कर जानपारे देन देखा जब देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर एट थ्री पी ऑर्बिटल हाज डैश रेडियल नोड माने पचार चीजे थ्री पी ऑर्बिटल आपनर केतटा रेडियल नोड अच्छा सो आम रेडियल नोड कैलकुलेट करिया आम ऑलरेडी पढ़ीचे सो नंबर ऑफ रेडियल नोड आम जब कैलकुलेट करवा सो आम फॉर्मूला है एन माइनस एल माइनस वन एन कौन एल कौन एन हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल हूँ आज गुंथल क्वांटम नंबर सो आम थ्री पी ऑर्बिटल रेडियल नोड कैलकुलेट करा पड़े सो थ्री पी मीन एन इक्वल टू थ्री पी मीन पी ऑर्बिटल आपर एल वैल्यू के सो पी ऑर्बिटल एल वैल्यू हूँ आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे एल वैल्यू हूँ वन एस ऑर्बिटल जीरो एल एल आपर एस ऑर्बिटल जीरो पी ऑर्बिटल वन सो आम एवं कैलकुलेट कर रेडियल नोड सो रेडियल नोड कैलकुलेट कर फॉर्मूला एन माइनस एल माइनस वन सो एन है थ्री एल है वन माइनस वन सो देखो थ्री माइनस टू सो राइट आंसर है वन ऑप्शन नंबर देखो ऑप्शन नंबर सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन देला ए 0.66 केजी बॉल इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फाइंड इट्स वेवलेंथ सो देखो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करके पचार कौन दे मास दे कौन मास के ना 0.66 दे स्पीड दे स्पीड आप वेलोसिटी आपंती सो आप 100 मीटर पर सेकेंड सो आप जानते अकॉर्डिंग टू कौन ना अकॉर्डिंग टू आप डी बग्लिस कॉन्सेप्ट डी बग्लिस वेवलेंथ कैलकुलेट कर फॉर्मूला लामडा इक्वल टू एच बाय एम बी लामडा इक्वल टू एच बाय एम बी सर एच कौन ना आप एच हूँ प्लांक्स कॉन्स्टेंट जार वैल्यू हूँ के 6.625 इंटू 10^-34 ये आप जानते सो आम एम मैंने एम हूँ मास मास गिवन अच्छे 0.66 भि हूँ कौन भि हूँ वॉल्यूम जोड़े कि आमको गिवन अच्छे 100 सो देखो आपको जब आम सिंप्लीफाई करदे सो आगे ऑप्शन होपर ऑप्शन नंबर डी जोटा कि हूँ 1.0×10^-35 एम मीटर सो राइट आंसर जब देखिए ऑप्शन नंबर डी हो फॉर्मूला सिंपल हो लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम बी ए फॉर्मूला पकेबे आपनर आंसर आसीबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वियस सॉल्यूशन विल बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो देखो आ भितर किए सब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इलेक्ट्रिसिटी को सब भल कि कंडक्ट कर किए गुड कंडक्टर किए जी मोर एसिडिक सो देखो आ भितर आप देखिए एसिडिक मोर किए स्ट्रंग एसिड किए जी मोर स्ट्रंगर एसिड सी हूँ मोर एसिडिक सो आप देखिए CH3COOH गोटे विक् वीक एसिड कारण कौन सी वीक एसिड किए से जी कि आपर एच प्लस आयन को इजिली रिलीज करजिली रिलीज करो जब आम देखिए एच सी एल हूँ गोटे स्ट्रंग बेस सी सल्यूशन डिजल्व कला मैंने से बेस्ट सी आप एच प्लस आयन इमिडियेटली डोनेट कर सो आम जब देखिए एच सी एल हूँ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स मैंने आपर तार एच सी एल कैपासीटी अच्छी मैंने अधिक आपर से कौन शीघ्र एच प्लस आयन तरह डोनेट कर सो रईट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2- रो कंजुगेट एसिड के मैंने आपर कंजुगेट एसिड किए सो कंजुगेट एसिड केमी हम ना आपर सी एच प्लस आयन रिलीज कलापर ही कंजुगेट आपर एसिड हमें सो आम देखा आधे आम जब NH2- रे आम जब कंजुगेट एसिड आम गोटे एच प्लस आड करवा एच प्लस आड
करवा सो केत हे सी सो एन एच टू माइनस प्लस एच प्लस सो आप कौन ना एन एच थ्री हो सो राइट आंसर जमी देखिए एन एच थ्री हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन एच फोर आई ओ सिक्स माइनस सो आम ऑलरेडी जानचे केमती ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करवा सो हाइड्रोजन चार्टा अच्छी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हूँ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे हाइड्रोजन ये रहा फोर प्लस आप आयोडीन पचार सो आयोडीन आपर आयोडीन आम एक्स लिखिले सो तापर आमको ऑक्सीजन पचार ऑक्सीजन छटी अच्छी ऑक्सीजन आपड़ा माइनस टू शो करे तापर आपर इक्वालेंट करिया कथा जीरो सो आप जानते जीरो को आम इक्वालेंट सब करूँ किंतु ये देखते आप माइनस अच्छी सो माइनस मीनस हो कौन ना माइनस वन सो आम जेहतु माइनस अच्छी सो आम लिखा माइनस वन सो आप फोर प्लस सिक्स माइनस टू सिक्स इंटु माइनस टू आम के ट्वेल्व सो इक्वाल टू माइनस वन सो आम कहीपर आप फोर प्लस सिक्स आपर एटा हो एक्स माइनस आपर बार रु चार के आठ सो इक्वाल टू माइनस वन सो एक्स माइनस एट माइनस इक्वाल टू माइनस वन सो आप एक्सटा ये माइनस अच्छे से पड़े आप कौन हो प्लस हो सो प्लस आपर एट सो आप आठ प्लस आठ रु माइनस एक आपते प्लस सेवेन सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए प्लस सेवेन देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इन ह्विच ऑफ दि फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आपनर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफई इज प्लस वन आपनर आयरन भितर क्योंठार ऑक्सीडेशन नंबरटा कौन ना प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट भितर क्यों शो करे ऑक्सीडेशन नंबरटा प्लस वन सो आप देखिए सो आपनर ऑप्शन नंबर बी रे शो करे ए कॉम्प्लेक्स रे आपनर कौन शो करियो ना प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर शो करियो किए ना आयरन सो राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर बी आप चेक करेंगे देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 14 देला sp3d2 hybridization is represented in CONH3 whole 6 3 plus find its geometry mane apanku pachar chi e jo complex ta apan da sp3d2 hybridization undergo karchi so pachar chi ata structure ta geometry ta kemithi hobo so ame janchu je sp3d2 hela mane amar structure ta hobo kon octahedral structure amar hobo kemithi na octahedral structure so right answer re jibo option number a देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखंतु कौन एम एक्स सिक्स इज ए मॉलिक्यूल विथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हाउ मेनी एक्स एम एक्स बॉन्ड आर इन 180 डिग्री सो पचार जो एम एक्स सिक्स सपोज गोटे आपर मॉलिक्यूल सो से तार हूँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सो जदि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हूँ सो पचार केतटा एक्स एम एक्स बॉन्ड रही जोटा कि 180 डिग्री आंगेल कर रही सो आम जब तरह स्ट्रक्चर लिखा एम रहा सेंट्रल आटम तापर आम जो देखा एम एक्स सिक्स सो छा रखा सो एपट तीन टाइम एपट तीन टाइम सो छा हो एक्स 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 सो आप एटा एक्स रे ये आप छा एक्स आटम आपर रे सो आम देखिए आमको पचार एक्स एम एक्स के शहे अशी आंगेल रोचे सो आम देखिए फास्ट यही गोटे शहे अशी कर सो आम एमती जो देखा ये गोटे शहे अशी हम सो एम जो देखिए आम शहे अशी गोटे हम सो एम सो देखते ये आपर के टोटाली आम देखा आपर यहीटा गोटे देखु आउ थे आप क्लीयरली स्ट्रक्चरटा कर सो यहाँ हूँ गोटे आपर यहाँ रहा एम एक्स सिक्स तीन तीन छाला सो आम देखा ये हूँ गोटे फास्ट आंगल तापर आम जब यहाँ देखा यहाँ हूँ सेकेंड यहीटा आम जब देखा यहाँ आपर हूँ यहाँ हूँ थर्ड यहाँ हूँ थर्ड सो राइट आंसर जब आम देखा तीन टाइम ही हूँ 180 डिग्री आंगल एक्स एम एक्स बंड एक्स एम एक्स बंड हूँ तीन टाइम मानने एमती गोटे आपर हूँ तापर हूँ गोटे एमती हूँ देन आपर गोटे केमती हूँ देन हूँ गोटे ये टाइप आपर यहाँ गोटे गला तापर आपर यही टाइप गोटे हम तापर आपर ये टाइप गोटे हम सो राइट आंसर हम तीन टा सो ऑप्शन नंबर सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 16 सो देखते कौन देला ह्विच वन अफ दि फलोईंग हालाइड कैन बी यूज इन फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन सो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन ने क्यों हालाइड आपर यूज होता है सो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन जब आम देखिए फ्रीडिल क्राफ्ट आपर आइसोप्रोपाइल हालाइडा यूज होता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइडा आइसोप्रोपाइल क्लोराइडा आप फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन यूज होता है सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंपोर्टेंट रहा देन नेक्स्ट क्वेश्चन
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देला ए कंपाउंड हैविंग ए बॉन्ड एंगल जोड़ा हूँ 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आभर कहार ऑप्शन देदेला अल्काइन अल्किन अल्किन साइक्लो अल्किन सो देखो सो आम जो देखा जोटा आप रोज ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड जोटा सपोज आप रहा अल्काइन जदि आम देखा जोटा हूँ आपणर इथाइन इथाइन कथा जी आम देखा सो आपड़ी आप 180 डिग्री आंगल रोच्च सो ये आपर कौन ऑप्शन नंबर ए अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड रहा आप अल्काइन सो अल्काइन क्षेत्र में आप 180 डिग्री आंगल कर रही सो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 18 ग्राफाइट हाज ए स्ट्रक्चर सिमिलारिटी विथ सो पचार ग्राफाइट स्ट्रक्चरटा क्या सहित सिमिलार सो देखो ग्राफाइट स्ट्रक्चरटा आपर क्या सहित ना बोरन नाइट्राइड सहित सामान सो बोरन नाइट्राइड को आपर कौन ना इनऑर्गेनिक ग्राफाइट कहते इनऑर्गेनिक ग्राफाइट सो राइट आंसर जो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर इनऑर्गेनिक ग्राफाइट कहते क्या ना आपर बोरन नाइट्राइड को सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ लुईस एसिड इज करेक्ट सो देखो आप करेक्ट लुईस एसिड डिक्रीजिंग ऑर्डर टा कौन सो देखो लुईस एसिड करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर टा हूँ कौन ना आपर BBr3 हो फास्ट कौन पाई ना ड्यू टू द प्रेजेन्स ऑफ आपर बैक बॉन्डिंग रा प्रेजेंस थिवारु आपर कौन ना आप जोटा BF3 लेस एसिडिक देन BCl3 और BBr3 सो राइट आंसर जब हम देखा ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर BBr3 इज ग्रेटर देन BCl3 इज ग्रेटर देन BF3 सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स एटा थिला हमर लास्ट क्वेश्चन जब वीडियो भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भूलें सो थैंक यू।